हेलो दोस्तों, मैं माई 11 सर्कल में KYC वेरिफिकेशन कर रहा था तो मुझको रेस्ट्रिक्टेड एज ग्रुप का प्रॉब्लम देखने को मिला। जहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा गया रेस्ट्रिक्टेड एज ग्रुप, एज पर द डॉक्यूमेंट सबमिटेड यू आर अंडर 18 ईयर ऑफ एज, हेंस रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम प्लेइंग कैश कॉन्टेंट माई 11 सर्कल। यही वाला दिक्कत देखने को मिल रहा है। अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत आ रही है तो अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, अंडर 18 वाला प्रॉब्लम, आपका KYC फेल हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे आप इसको सही करेंगे, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको लेकर चलता हूँ माई 11 सर्कल में। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ आखिर हमारा जो KYC वेरिफिकेशन है वो फेल्ड क्यों हुआ। उसके बाद अगर फेल्ड हो गया है तो कैसे सही होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो माई 11 सर्कल में आने के बाद आपको मोर वाले ऑप्शन पर चलना पड़ेगा। वहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है हेल्प एंड सपोर्ट, तो आपको हेल्प एंड सपोर्ट पर चलना है और यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना है। व्हाई वाज माई KYC रिजेक्टेड, ओ सॉरी गलत दब गया, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। जो पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा था उस वाले ऑप्शन पर चलना है। तो उस वाले ऑप्शन पर चलने के बाद पता चलता है कि हम अपने KYC वेरिफिकेशन में कुछ चार चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट। तो यहाँ पर आधार कार्ड सबके पास मौजूद होता है, तो आधार कार्ड अगर आपके पास मौजूद है, उसको आपने रेस्ट्रिक्टेड मतलब वो वेरीफाई किया है लेकिन वो फेल्ड हो जा रहा है, तो क्यों हो जा रहा है? यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर आपका अंडर 18 यानी कि आप 18 साल के नहीं हुए हैं तब आपने उसमें वेरीफाई कर दिया है, तो समझ लीजिए आपका KYC 100% रिजेक्ट हो जाएगा। अब मान चलिए आपने 18 वाला डाल दिया लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया, अब आप उसको कैसे फिक्स करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से मोर पे चलना है। उसके बाद आपको अकाउंट डिटेल, सबसे पहला ऑप्शन अकाउंट डिटेल का ऑप्शन मिलता है। वहाँ पर आने के बाद आपको माई अकाउंट पर चले जाना। माई अकाउंट पर आने के बाद इस तरीके का इंटरफेस लेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐड एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ पर आपने जो एड्रेस डाल चुका है यानी कि आप अपना आधार कार्ड वगैरह डाल चुके हैं, आपको यहाँ से उसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद आपको फिर से ऐड इस पे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने मम्मी पापा, बड़े भैया या फिर कोई दोस्त हो जो 18 साल के ऊपर हो, उसका आप पूरा चीज़ सबमिट कर दीजिए, नाम वगैरह जितने भी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रहा है उसको सबमिट करके आप डन कर दीजिए। आपका KYC जो है वो 100% फिक्स हो जाएगा, आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा 100% गारंटी के साथ।